सर, आपने पंचायत चुनाव का जिक्र किया, आपने सरकार की नाकामी का जिक्र किया, लेकिन सरकार की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि भाई फरवरी के महीने में तो खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि आप चुनाव करवाइए, सरकार तो चुनाव करवाना नहीं चाहती थी। तो अगर हम सरकार के इस तर्क को देखें तो फिर आपकी दलील बेकार हो जाती है, इस पर आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैं कहूंगा, और आपने उचित सवाल किया है। सरकार ये तर्क तो देती है, लेकिन सरकार ये तर्क क्यों नहीं बताती है कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2020 में खत्म हो गया था। कब? दिसंबर 2020। तो पंचायतों का गठन कब तक हो जाना चाहिए था? दिसंबर 2020 के पहले, करेक्ट जी। तो दिसंबर 2000 के पहले की जो तस्वीर थी उत्तर प्रदेश और देश की, तब कोरोना का संक्रमण बहुत हद तक काबू पा लिया गया था। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत के चुनाव अक्टूबर नवंबर में करा लिए जाने चाहिए थे, बहुत लेट था, तो नवंबर लास्ट तक हो जाने चाहिए थे और दिसंबर में नई पंचायत को उसका कार्यकाल करके सौंप देते। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर दिसंबर में पंचायत के चुनाव नहीं कराए, और उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। अगर राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हम समय पर कराते हैं तो ग्राम पंचायत के चुनाव, 96,000 गाँव है और 56,000 ग्राम पंचायतें हैं, उनका चुनाव मैं जानना चाहता हूं, और उत्तर प्रदेश की सरकार को ये बताना चाहिए कि उन्होंने नवंबर दिसंबर में चुनाव क्यों नहीं करा लिए, इस चुनाव को टाला क्यों गया। और जब विपत्ति आपके सिर पे आ गई और हालात बहुत खराब हो गए, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ये बात दिखा सकती है कोई दस्तावेज जिसमें उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से कोई मांग की हो कि चुनाव कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया इसलिए रद्द कर दीजिए? हमारी तो चुनाव आयोग से बात हुई, राज्य निर्वाचन आयोग से उनका कहना है कि सरकार ने हमें कोई पत्र इस तरह का तो उपलब्ध नहीं कराया। हाईकोर्ट में भी कोई ऐसा पत्र सरकार ने नहीं दिया कि इस कारण से रद्द किया जाए। तब आरक्षण प्रक्रिया में देरी के चलते रुक रहा था चुनाव, ये बात सरकार कह रही थी। तब क्या आप समाचार पत्रों में या वेबसाइट्स पर जाकर इसका ब्यौरा आप देख सकते हैं, सरकार के बयान भी देख सकते हैं कि चक्रानुक्रम आरक्षण की वजह से डिलेड किया चुनाव, कोरोना तब कारण नहीं था सरकार के लिए। और दूसरी बात यह कि ये तो वो सरकार है जो बात बात पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। आपको याद होगा कि अप्रैल सेकेंड वीक में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के लिए कहा था, सरकार कहां गई? सुप्रीम कोर्ट स्टे लेकर आई लॉकडाउन के खिलाफ। हालात उससे नहीं संभले सरकार से, तो आज भी जब हम और आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लॉकडाउन में, तो हाईकोर्ट की बात तब तो इन्होंने नहीं मानी, और अगर पंचायत चुनाव के हालात बहुत खराब थे तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि साहब हालात बहुत बेकाबू है, हमारे लिए चुनाव नहीं, जनता की जान बचाना जरूरी है। तो वो काम तो सरकार ने नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये सरकार का नासमझी बड़ा भरा फैसला था, और उन्हें चुनाव रुकवाने के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, जो वो बात बात पर जाते हैं। अभी आपको याद होगा कि राम भरोसे कह दिया था हाईकोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेने चले गए। जी जी जी। जब आप इतनी छोटी बात पे जा सकते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जहां हजारों लोगों की जान जा रही थी, तब आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? मिसलीडिंग स्टेटमेंट से बात बनने वाली नहीं है। लाखों लोग मारे गए हैं, उनके घर को जवाब चाहिए, उनकी पत्नियां बेवा हो गई हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं, लोग बेरोजगार हैं, बूढ़े माँ बाप ने अपने बच्चे खोए हैं। गांव की स्थितियों का हम आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी पीड़ा है, लोगों के पूरे परिवार तबाह हो गए हैं। लखनऊ के बगल में एक गांव है अमराई, वहां के मैं परिवार का आपके बारे में जानकारी देके अपनी बात खत्म करूंगा। डॉक्टर हरिराम यादव का परिवार है, उनके घर में उनकी पत्नी और 3 बच्चे, आपको पता है सिर्फ एक छोटा बच्चा बचा है और बाकी पूरे परिवार की मृत्यु हो गई, उनके घर में ताला लगा और गाँव वाले उस छोटे बच्चे को ननिहाल छोड़ कर रहे। ये गांव की त्रासदी है, जो मुझे अफसोस है कि ये राष्ट्रीय मीडिया का हिस्सा क्यों नहीं है, या लोग इस पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहते हैं। ये पिछले 100-150 सालों की हिंदुस्तान में तबाही है, और गांव कभी मीडिया की प्राथमिकता में नहीं रहता, इस बार भी नहीं है, पर हमारी प्राथमिकता में है। हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा गाँव तक पहुंचे। सब गाँव तक पहुंच जाएंगे ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर गाँव की, अधिकतर लोगों की हम बात जनता तक पहुंचे।